हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में बिजली चेकिंग के लिए गई विद्युत विभाग की टीम से हाथापाई होने के दौरान एक किसान के सिर में चोट लगने से मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और किसान के परिजनों ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। वहीं पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी हादसे में मौत से इनकार नहीं कर रहे। ये तस्वीरें बुलंदशहर के हजरतपुर गांव में रहने वाले किसान वीर सिंह की है, जिसकी हत्या का आरोप विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर लगा है। भाभी ना रहे थे, पापा ऊपर थे, भाभी कह रही मैं ना रही हूँ, किवाड़ खोल, भाभी ने किवाड़ खोल दी, ऊपर चढ़ गए, ताऊ ने भी पीट या कोई भी ना, घर पे भाई जी सब काम पे गए थे, कौन लोग थे? बिजली घर वाले थे वो। उन्होंने ताऊ का गले बांध पकड़ के पहले तो मारे, फिर ईंट मारी, फिर पीछे मारी, इतने हम गए तो इतने तो वो भाग गए थे। अब पुलिस वाले आए, पुलिस वाले भी ना साथ लेके गए थे। दरअसल आज सुबह बुलंदशहर के हजरतपुर गांव में विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापामारी कार्रवाई करने गई थी। आरोपी के पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी वीर सिंह के घर में जबरन घुस गए और जब इसका विरोध किया गया तो बिजली कर्मचारियों ने वीर सिंह के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वीर सिंह के सिर में चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। वीर सिंह की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बुलंदशहर सियाना स्टेट हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। सच्चाई ये है कि आज सुबह लगभग 9 बजे के लगभग बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे एसडीओ साहब और जेई साहब और संविदा कर्मी वहाँ पे चेकिंग के लिए गए और टीजीटू भी थे वहाँ पे। तो प्रधान जी हैं, जो पूर्व प्रधान है या अभी वर्तमान प्रधान है, उनके घर की तरफ से चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग करते करते ये एक चक्की वहाँ पे चल रही थी, उस पर पहुँचे और जैसे ही टीम को देखा, चक्की वाले की जो वाइफ है उसने अपना तार हटाना शुरू कर दिया, तो नीचे से वीडियो भी बनाई गई, लेकिन पूरी वीडियो बन नहीं पाई, तभी हंगामा हो गया। हंगामा ये हुआ कि चक्की वाले घर से 3-4 घर छोड़ के कोई आदमी था, वो बाहर निकला और फिसल के गिर गया और वहीं कोलैप्स हुआ। वो लोगों ने उसकी मालिश भी की, फिर उसे तुरंत मिर्गी टाइप का दौरा पड़ा उसे, फिर ये लोग उसको लेके अस्पताल भी गए गांव वाले। लेकिन उससे पहले तो रास्ते में ही वहीं पे शायद उसने दम तोड़ दिया और उससे पहले जो चक्की वाला मेन आदमी है उसने हंगामा किया, वहाँ भड़काया पूरी पब्लिक को, उसने भड़काया कि बिजली वालों ने ईंट डंडे डंडे मारे, बिजली वालों ने उसको धक्का दिया, जबकि धक्का नहीं दिया गया, कोई किसी को ऐसी कहीं कोई नहीं है। और इसी दौरान जब चक्की वाले ने सबको भड़का दिया तो औरतों ने और दूसरे लोगों ने भी, नौजवानों ने भी वहाँ पे ईंट पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बिजली चोरी पकड़े जाने पर लोगों ने हंगामा किया और हंगामे के दौरान धक्का लगने से किसान की मौत हुई। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी, जबकि पुलिस अब मामले में विधिक कार्रवाई करने का दावा कर रही है। हजरतपुर गांव में आज विद्युत विभाग की टीम विद्युत चोरी के मद्देनजर वहां पर अपनी पूरी टीम एसडीओ जेई और अन्य संविदा कर्मी के नेतृत्व में वहां गए थे और वहां पर जब ये चेकिंग के दौरान चेक कर रहे थे, इन्होंने अपना अपने स्तर से वीडियो भी उसका बना रखा है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 से 52 साल है, अचानक वो उसकी नीचे गिर गया, गिरने के बाद उसको चोटें आई, अस्पताल पहुंचाए गए, जिसकी डेथ हो गई। गांव वालों का कहना है कि इन्होंने छत से
छीना झपटी में या पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गया। मौके पर हम लोग हैं और संपूर्ण बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसी अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।